दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बजा हुआ है। तमाम राजनेता इस समय भागम भाग में हैं और उनकी भागम भाग है मतदाताओं को साधने की। इस चुनावी मौसम में हर व्यक्ति व्यस्त है, चाहे वो राजनेता हैं, उनकी व्यस्तता है अपने कैंडिडेट्स का समर्थन के लिए, जो प्रत्याशी हैं उनकी व्यस्तता है लोगों के बीच जाने की, जो खबर नवीस अखबार नवीस के लोग हैं, अखबारों के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनकी व्यस्तता है कि सुर्खियां कैसे बने, जो आम जन है, आम मतदाता है, उसकी व्यस्तता ये है कि ये पता कर लें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी चल रही है, किसकी निकल रही है, किसकी हवा बनेगी, किसकी हवा निकलेगी। तमाम इसलिए मैंने आपसे कहा कि सभी व्यस्त हैं और हर व्यक्ति जानना चाहता है, खासकर जो राजनीति में रुचि रखते हैं, कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में, उनके ज़िले में, उनके लोकसभा क्षेत्र में, उनके प्रदेश में हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी हवा ठीक चल रही है, किसकी हवा ढीली है, किसकी हवा टाइट है, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है। तो इस लिहाज से मैंने आपके साथ एक हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के 10 दिग्गजों का खाका बताने का प्रयास किया है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि हरियाणा के 10 दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या उनके लिए ग्रीन सिग्नल है, उनके लिए रेड सिग्नल है, और या फिर वो येलो सिग्नल पर रेंग रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा और आपको बताता चलूं जो 10 नाम प्रमुख हैं उनके अंदर पहला नाम है नायब सिंह सैनी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी ने आज तक के जो अपने जितने चुनाव लड़े हैं उनका हर चुनाव के अंदर क्षेत्र बदला हुआ होता है। 2014 में वो नारायणगढ़ से विधायक बने थे, अंबाला की लोक विधानसभा सीट है, अंबाला जिले की, अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, नारायणगढ़ से 2014 में विधायक बने थे। उसके बाद उनका विधायकी पूरी नहीं हुई थी कि उनको सांसद का टिकट मिल गया था 2019 में। कुरुक्षेत्र से वो सांसद का चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव जीते। उसके बाद उनको 2019 के बाद में 2024 का चुनाव, यानी कि लोकसभा चुनाव आने से पहले उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री का ताज मिल गया। उपचुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का करनाल विधानसभा से, करनाल विधानसभा से विधायक बने और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है लाडवा से। 2014 में यहाँ से पवन सैनी चुनाव जीते थे, 2009 में यहाँ से शेर सिंह बड़शामी चुनाव जीते थे इनेलो के टिकट पर, पवन सैनी भाजपा के थे, और 2019 में यहाँ से मेवा सिंह चुनाव जीते थे जाट समाज से। जाट वर्सेस जाट या जाट वर्सेस सैनी यहाँ का चुनाव रहता है और इस चुनाव के अंदर जो चुनाव मैदान के अंदर जो मुख्य कैंडिडेट हैं वो नायब सिंह सैनी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री और घोषित मुख्यमंत्री चेहरा, भाजपा के सीएम फेस, लाडवा में वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको चुनौती दे रहे हैं यहाँ के जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक मेवा सिंह, वो कांग्रेस के टिकट पर कैंडिडेट हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पर शेर सिंह बड़शामी की पुत्र वधू सपना बड़शामी को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। बड़शामी साहब जब 2009 में विधायक बने थे तो उसके बाद उनको शिक्षक भर्ती जो मामला था जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई थी, उसमें शेर सिंह बड़शामी को भी 10 साल की सजा हुई थी। शेर सिंह बड़शामी की पुत्रवधू हैं चुनाव मैदान में। इधर नायब सिंह सैनी हैं, मेवा सिंह कांग्रेस से हैं और यहाँ पर एक कैंडिडेट और हैं, संदीप गर्ग लाडवा के प्रमुख उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, भाजपा के नेता हैं। पिछला चुनाव उन्होंने भाजपा से लड़ने के लिए लोकसभा का अप्लाई भी किया था, टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय चुनाव मैदान में इस समय कूदे हुए हैं। नायब सिंह सैनी के लिए जो लाडवा के लोगों का कहना है, जो मेरी कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुछ अखबार नवीसों से, कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई, तो लाडवा का जो नायब सिंह सैनी का चुनाव है वो काफ़ी हद तक सपना बड़शामी के चुनाव पर डिपेंड करता है। राजनीतिक लोगों का मानना है कि अगर सपना बड़शामी ने ठीक ठाक अच्छी कट वोट ले लिया तो फिर वो नायब सिंह सैनी के लिए फ़ायदा होगा, और कहीं सपना बड़शामी बीच में अटक गई वोट लेने की स्थिति में तो फिर नायब सिंह सैनी की गाड़ी जो है वो येलो सिग्नल पर आ जाएगी। यानी कि यहाँ का जो चुनाव है, और मैं आपको बताऊँ, मैंने भी एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था और हमने आपको बताया था कि इनेलो और बीजेपी क्या कोई सेटिंग चल रही है जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ हो रहा है।
खैर क्योंकि बरसामी परिवार भी वहाँ का राजनीतिक परिवार है, चुनाव लड़ते रहे हैं, 9 का चुनाव लड़ा, 14 का लड़ा, 19 का लड़ा और अब 24 के लिए भी मैदान में है। तो नायब सिंह सैनी जो कैंडिडेट हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की थी वहाँ पर संदीप गर्ग को किसी तरह से बिठा दिया जाए चुनाव मैदान में समझाने बुझाने की, लेकिन संदीप गर्ग माने नहीं। यहाँ पर जो मुख्य वोट है वो ओबीसी और जाट मतदाता है, फिर यहाँ पर अग्रवाल मतदाता भी है, पंजाबी मतदाता भी है, ब्राह्मण मतदाता भी है। नायब सिंह सैनी को जो मुख्य सहारा है वो सैनी मतदाताओं का है और इस समय उनकी जो शहर के अंदर लोग कहते हैं कि बीजेपी का वोटर हालांकि माना जाता है शहर का, लेकिन नायब सिंह सैनी से कुछ लोगों की नाराज़गी है। चुनाव 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को पता चलेगा क्या हुआ, लेकिन आज के जो हालात हैं वो नायब सिंह सैनी के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं है पूरी तरह से कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे, उनके लिए येलो सिग्नल है। यानी कि नायब सिंह सैनी की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वो जब गाड़ी धीरे चलती है तो कई बार रेड सिग्नल भी हो जाता है और कई बार ग्रीन भी मिल जाता है। और देखना होगा कि नायब सिंह सैनी को ग्रीन सिग्नल मिलता है या फिर उनके लिए रेड सिग्नल हो जाएगा, लेकिन अभी वो येलो सिग्नल पर चल रहे हैं। अगली विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में भी विधायक पंचकुला से बने थे, 2019 में भी बने। इस चुनाव में बड़ी चर्चा थी कि शायद उनको टिकट मिले ना मिले, मिले ना मिले, लेकिन अंतोगत्वा टिकट तो ले आई। लेकिन पंचकुला में चंद्रमोहन बिश्नोई बड़ी चुनौती हैं पंचकुला के अंदर ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए, और राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता जी का चुनाव अटक चुका है। चंद्रमोहन बिश्नोई को वहां पर विनिंग कैंडिडेट माना जा रहा है और ज्ञानचंद गुप्ता के लिए कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी अब पंचकुला से जो बहुत थोड़ी दूर पड़ता है चंडीगढ़, लेकिन उनकी गाड़ी चंडीगढ़ तक पहुँच नहीं पाएगी, ज्ञानचंद गुप्ता के लिए रेड सिग्नल है। अगर मैं अगली बात करूं तो फिर अगली बात कर लेते हैं भव्य बिश्नोई, बड़े चेहरे हैं, चौधरी भजनलाल के पोते हैं। जैसे मैंने आपको पंचकुला का बताया चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई, तो फिर आदमपुर के अंदर चौधरी भजनलाल के ही पोते कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो विधायक हैं वो फिर चुनाव मैदान में हैं इस बार भी, और उनके लिए कहा जा रहा है कि हालांकि चुनौतियाँ कई हैं, चंद्रप्रकाश IAS यहाँ उनके मुकाबले चुनाव मैदान में हैं, रामजीलाल जांगड़ा वहाँ से पूर्व सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा सदस्य, कभी चौधरी भजनलाल परिवार के बहुत नज़दीक, बहुत खासम खास थे, उनके भतीजे हैं चंद्रप्रकाश और वो इस समय चुनाव मैदान में है कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस ने यहाँ पर ओबीसी दाव खेला है और जो आदमपुर के लिए भी कहा जा रहा है, हालांकि हम इसको ग्रीन सिग्नल में मानते थे, लेकिन पिछले दिनों भी जो देखा गया कि आदमपुर के अंदर किस प्रकार से विरोध हुआ भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का, जो उपचुनाव हुआ उपचुनाव के अंदर भी बड़ा कांटे का संघर्ष माना गया, लेकिन भव्य बिश्नोई चुनाव जीत गए, लेकिन इस चुनाव में यानी कि 2024 के चुनाव में उनके लिए पूरी तरह ग्रीन सिग्नल नहीं है, इसलिए उनकी भी गाड़ी आदमपुर से जो चंडीगढ़ के लिए चलेगी अभी वो धीरे धीरे रेंग रही है, यानी कि वो भी येलो सिग्नल पर हैं। अगर अगली मैं आपसे बात करूँ विधानसभा की तो फिर राजा बल्लू की नगरी, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा, मूलचंद शर्मा 2014 में विधायक बने, 2019 में विधायक बने, 19 में विधायक बने तो बड़े पंडित जी पंडित रामविलास शर्मा चुनाव हार गए, और एक पुरानी कहावत है, यहाँ कहनी चाहिए नहीं लेकिन कह देते हैं, बिल्ली के भागो छीका फूटा कहा जाता है, मूलचंद शर्मा को रास आ गया पंडित रामविलास शर्मा का चुनाव हारना। रामविलास शर्मा के चुनाव हारने के बाद मूलचंद जी को मिनिस्ट्री भी मिल गई, कैबिनेट रैंक मिली, सरकार के पावरफुल मिनिस्टर हैं। हालांकि भाग्य उनका यहाँ भी साथ दे रहा था कि कांग्रेस का टिकट जो यहाँ पर उम्मीद थी शारदा राठौर को मिलने की, हमने भी पराग शर्मा का नाम लिया था और टिकट पराग शर्मा को मिला। अब यहाँ पर निर्दलीय चुनाव मैदान में है शारदा राठौर, पराग शर्मा यहाँ पर कांग्रेस की कैंडिडेट है, मूलचंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के घोषित कैंडिडेट मैंने पहले ही बता दिया आपको, राव रामकुमार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी यहाँ मैदान में है। इन चुनावी मुकाबले के बीच में जो चुनावी मुकाबला चल रहा है, जहां मूलचंद शर्मा के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहीं शारदा राठौर के साथ में 10 साल की सिंपथी है, सहानुभूति है। 12 तारीख को जब नामांकन करना था, शारदा राठौर के आंसू जो थे, जो रुलाई उनकी फूट रही थी, वहां पर सामने खड़े हुए लोगों को भी वो मायूस कर रही थी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पंडित मूलचंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए हालांकि
ग्रीन सिग्नल की उम्मीद थी, लेकिन राजनीतिक फिजाएं कुछ अलग संदेश दे रही हैं। राजनीतिक हवाएं कह रही हैं कि मूलचंद शर्मा की गाड़ी भी अब की बार चंडीगढ़ फर्राटे से दौड़ना मुश्किल है, तो इसलिए उनकी भी गाड़ी जो है वो सिग्नल पर धीरे धीरे चल रही है और उनको भी येलो लाइट पर रुकना पड़ रहा है। यानी कि मूलचंद शर्मा के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं, यहाँ पर मूलचंद शर्मा के लिए भी येलो सिग्नल है। अगली बात करूँ तो असीम गोयल, सरकार के वजीर, 2014 के विधायक, 2019 के विधायक, अंबाला से विधायक, अंबाला सिटी। विनोद शर्मा जो वहाँ के बड़े पावरफुल नेता हैं, कार्तिकेय शर्मा के पिता, उनसे 36 का आंकड़ा इनका रहा है, आमना सामना भी होता रहा है। यूं तो असीम गोयल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला एक बार, लेकिन वो पुरस्कार इनके मुझे लगता है कि अंबाला सिटी में अब काम नहीं आ रहा। अंबाला सिटी में गहरे मुकाबले में फंसे हुए हैं असीम गोयल और उस मुकाबले में पिछड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। निर्मल सिंह यहां से चुनाव मैदान में है कांग्रेस के टिकट पर, और राजनीतिक चर्चाएं ये हैं कि असीम गोयल यहां पर चुनाव हार सकते हैं। निर्मल सिंह के लिए ग्रीन सिग्नल है तो असीम गोयल के लिए रेड लाइट हो गई, यानी कि असीम गोयल को अंबाला से चंडीगढ़ की दूरी करना अब मुश्किल हो जाएगा तय करना, और असीम गोयल की गाड़ी रुक सकती है, इनके लिए रेड सिग्नल है अंबाला सिटी में। अगले कैंडिडेट हैं अनिल विज गब्बर, 6 बार के विधायक, मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका हुआ है। हालांकि ऊपर से संदेश मिल गया कि आपके दावे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टी जो फैसला करेगी वो होगा। गब्बर सिंह गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। चित्रा सरवारा यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट हैं, चौधरी निर्मल सिंह की बेटी। परी को यहाँ पर चुनाव मैदान में पार्षद के चुनाव पर, पार्षद रहे हैं परी, उनको चुनाव मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, कुमारी शैलजा समर्थक हैं। चित्रा सरवारा भारी पड़ रही हैं यहाँ पर अनिल विज पर, गब्बर पर। हालांकि फिर भी अनिल विज के लिए, जो अनिल विज की पावर है वो बीसी वोटर प्लस पंजाबी वोटर प्लस थोड़ा सा वहाँ का शहरी वोटर, ये इनके लिए प्रॉफिट वाली बात है, 3 लाख से ज़्यादा वोट हैं। लेकिन जाट मतदाता पूरी तरह नाराज हैं, जट सिख नाराज हैं, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, इस लिहाज से अनिल विज के लिए भी यहाँ पर येलो सिग्नल है, येलो लाइट है। यानी कि उनकी गाड़ी अंबाला कैंट से धीरे धीरे रेंग रही है, चंडीगढ़ पहुँचेगी या नहीं अभी बताया नहीं जा सकता। सिग्नल रेड हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, और या फिर ग्रीन मिल जाएगा। फिलहाल अनिल विज भी येलो सिग्नल पर अटके हुए हैं। अगले कैंडिडेट हैं जेपी दलाल, लोहारू से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ उनका चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री। बहाल के अंदर चुनावी सभा हुई थी और वहाँ पर विप्लव कुमार देव, रामविलास शर्मा, धर्मवीर, ये तमाम बड़े दिग्गज वहाँ मौजूद थे। जेपी दलाल की अपनी छवि भी ठीक ठाक है, 2014 के चुनाव तक पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हुआ करते थे, किरण चौधरी के नज़दीकियों में रहा करते थे, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, नहीं बन पाए थे। 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, और पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद में मिनिस्टर फाइनेंस हुए, वित्त मंत्री, और आज लोहारू से चुनाव लड़ रहे हैं। राजवीर फरेटिया से इनका मुकाबला है, राजवीर फरेटिया कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। मेरे वहाँ के जानकार एक बड़े सीनियर अधिकारी बता रहे थे कि रिटायर्ड है, राजवीर फरेटिया का बड़ा नाम है वहाँ पर। राजवीर फरेटिया के लिए कहा जाता है कि वो सामाजिक कार्यों में, खासकर जब मांगलिक कार्य होते हैं परिवारों के अंदर, लड़की की शादी पर उनका एक बड़ा शगुन का लिफाफा हर घर में जाता रहा जो उन्हें बुला ले। लड़के की शादी हो तो फिर मुंह दिखाई भी अच्छी खासी देते थे। इसके अलावा भी सामाजिक कार्यों में राजवीर फरेटिया लगे रहते थे। कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, इस लिहाज से जेपी दलाल साहब के लिए भी येलो सिग्नल है। उनकी भी गाड़ी लोहारू में धीरे धीरे अटक अटक कर चल रही है, पता लगता है कि वो रेड सिग्नल पर जाती है या फिर उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। अगली बात मैं आपसे करूँ, श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव लड़ रही हैं, सामने चचेरे भाई हैं। श्रुति चौधरी के सामने उनके ताऊ के बेटे रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी हैं। यहाँ श्रुति के लिए बड़ी परेशानी ये है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चौधरी बंसीलाल के परिवार से कोई सदस्य चुनाव मैदान में है। पूर्व सांसद हैं, माताजी विधायक थी किरण चौधरी। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों शामिल हो गई थी लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में। पारितोषिक मिला किरण चौधरी सदस्य राज्यसभा की बनी और बेटी को टिकट मिला विधानसभा का। शशि रंजन परमार यहाँ से विधायक हुआ करते थे पहले, चुनाव भी लड़ा उन्होंने पहले बीजेपी के टिकट पर,
अब उनका टिकट भाजपा ने काट दिया, रोते बिलखते हुए चुनाव मैदान में उतर गए निर्दलीय, वो भी मैदान में है। श्रुति चौधरी को जहां अनिरुद्ध से फाइट मिल रही है, चौधरी बंसीलाल का जो फॉलोवर वोटर है वो अनिरुद्ध की तरफ जा रहा है। तो दूसरी बात आ जाती है कि जो बीजेपी का कोर वोटर कहा जा सकता है, वो शशि रंजन जी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद चुनाव में वो वोटर बट जाएगा। इस लिहाज से श्रुति चौधरी के लिए भी पहले ही विधानसभा चुनाव में जो पहला चुनाव लड़ रही हैं उसमें वो ग्रीन सिग्नल उनको नहीं मिल पा रहा, अभी येलो पर अटकी हैं। तो श्रुति चौधरी की गाड़ी भी तो शाम से चंडीगढ़ पहुंचेगी या नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो उनकी गाड़ी येलो सिग्नल पर है। येलो से उनको रेड मिलेगा या ग्रीन हो जाएगा ये पता चलेगा, लेकिन परेशानियां पूरी हैं श्रुति चौधरी के लिए और उनके लिए भी येलो सिग्नल, मैंने आपको बताया। अगली बात बताऊं मैं आपको, हिसार विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा सरकार के आजकल के हेल्थ मिनिस्टर कमल गुप्ता 2014 में विधायक बने, 2019 में विधायक बने, 2019 में विधायक बनकर मंत्री भी बन गए, आरएसएस की नज़दीकी के चलते टिकट भी पा गए, लेकिन गाड़ी उनकी चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाएगी। कमल गुप्ता को टिकट तो मिल गया, यहां पर सावित्री जिंदल जो भाजपा के सांसद हैं, नवीन जिंदल, उनकी माता जी हैं सावित्री जिंदल, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो भी कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है, पिछले चुनाव में भी कैंडिडेट थे रारा और अब भी कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जो माना जा रहा है, अभी हाल ही में जो जी के टीवी के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, जो राज्यसभा सदस्य थे पहले, भाजपा नेता थे, उन्होंने भाजपा छोड़ दी है और वो सावित्री जिंदल को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर जो है हिसार में कमल गुप्ता के लिए भी रेड सिग्नल है। अगली बात करूँ तो फिर जगाधरी, अंबाला लोकसभा की सीट जगाधरी, यमुनानगर जिले की विधानसभा सीट, कंवरपाल गुर्जर यहाँ से विधायक हैं। 2014 में विधायक बने थे, विधानसभा के स्पीकर रहे, 2019 में विधायक बने, प्रदेश सरकार में पावरफुल मिनिस्टर रहे, कृषि मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, तमाम बड़े मंत्रालय उनके पास रहे। जगाधरी से उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दिया और यहां पर उनके सामने जो कैंडिडेट हैं कंवरपाल गुर्जर के सामने, कांग्रेस ने टिकट दिया है अक्रम खान को। कांग्रेस के ही नेता थे आदर्श पाल, वो चले गए आम आदमी पार्टी में। कंवरपाल गुर्जर से नाराजगी गुर्जर मतदाताओं की जो है उसको आदर्श पाल ले जाएंगे। अक्रम खान यहां से पहले भी विधायक रहे हैं, चुनावी जो माहौल बता रहा है वहां का वो ये कह रहा है कि कंवरपाल गुर्जर के लिए तो वहां पर येलो सिग्नल है ही है, यानी कि उनकी गाड़ी वहां अटकी हुई है, धीरे धीरे रेंग रही है और आगे बढ़ने के चांस कम हैं, उनके लिए रेड लाइट ज़्यादा बताई जा रही है। कोई संभावना बनी तो हो सकता है ग्रीन बन जाए, लेकिन फिलहाल उनके लिए येलो सिग्नल है। तो ये वो 10 दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के बतौर कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। सरकार के अंदर वजीर थे, मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, पावरफुल नेता थे, इन सब की स्थिति आज जो मैंने आपको बताई, नायब सिंह सैनी के लिए येलो सिग्नल, ज्ञानचंद गुप्ता के लिए रेड सिग्नल, मूलचंद शर्मा के लिए येलो सिग्नल, असीम गोयल रेड सिग्नल, अनिल विज येलो, जेपी दलाल येलो, श्रुति चौधरी येलो, कमल गुप्ता रेड सिग्नल, कंवरपाल गुर्जर येलो सिग्नल, भव्य बिश्नोई ग्रीन सिग्नल, यानी कि भव्य बिश्नोई एकमात्र ऐसे इनके अंदर नेता दिख रहे हैं जिनकी चुनावी जीत हो सकती है, उनके लिए येलो और ग्रीन दोनों ही हैं, ग्रीन के चांस उनके लिए आगे ज़्यादा बन रहे हैं। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।